हैेलकम बाई चैनल इन टूडेज वीडियो वी टॉकिंग अबाउट सेवन मिथ इन द फिटनेस इंडस्ट्री पीपल हैव क्योंकि बहुत लोग हैं कि झूठ है वो बात बट वो बहुत पुराना बात है बहुत पुराना मतलब डैड या फिर आपके डैड के डैड के टाइम का वो बात होगा वो चीज़ को हम पकड़ के आ रहे हैं अपने जनरेशन में भीट गो लिफ्टिंग वेट्स कैन मेक यू शॉर्टर दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट वेट लिफ्ट करने से हाइट कैसे शॉर्ट हो सकता है मतलब कुछ भी एक्सरसाइज करने से हाइट इंक्रीज़ होता है आपका एंड आपका हाइट इंक्रीज़ होगा आपका स्किन अच्छा रहेगा बहुत सारे बेनिफिट्स है बट आपका हाइट शॉर्ट कैसे हो सकता है आप रबड़ के थोड़ी बने हुए हैं कि हाइट शॉर्ट हो जाएगा हाइट शॉर्ट नहीं हो सकता गाइज हाँ हाइट बढ़ाने के लिए ज़रूर दो तीन ऐसे एक्सरसाइज है जो कि वो हाइट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा काम आते हैं बट ऐसा कोई रिसर्च में माना नहीं गया है कि ये एक्सरसाइज करने से हाइट बढ़ता है दो तो तीन एक्सरसाइज जैसे कि स्विमिंग है एंड रनिंग है बास्केटबॉल है इन सब खेलने से आपका हाइट थोड़ा बढ़ सकता है चांसेस है तो दिस इज मिथ गाइज दिस इज मिथ की लिफ्टिंग वेट्स कैन शॉर्टर यू ओके द नेक्स्ट पॉइंट इज गाइज प्रोटीन पाउडर इज डेंजरस फॉर योर हेल्थ और सप्लीमेंट कैन बी डेंजरस फॉर योर हेल्थ ये गाइज नहीं हो सकता बिकॉज प्रोटीन कंटेंट ओनली प्रोटीन नथिंग एल्स उसमें कुछ ऐसा हार्म कुछ आपके बॉडी को जो हार्म कर जाए वो ऐसा कोई इन्ग्रीडियंट्स नहीं है अनलेस वो प्रोटीन ओरिजिनल होना चाहिए डुप्लिकेट नहीं होना चाहिए ओनली देन इट विल हार्म योर बॉडी ओके सो बहुत बड़े लोग हैं जो कि हमारे घर में डैड है ग्रैंड uh, है जो कि बोलते हैं कि प्रोटीन पाउडर मत खाओ इट कैन कॉज यू कोई भी इशू हो सकता है आपके हेल्थ में जो लोग मैं तो ये मानता हूँ जो लोग प्रोटीन पाउडर नहीं खाए ना वो लोग ही केवल ये सब बात बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने कभी यूज़ नहीं किया है दैट्स वो अवेयर नहीं है सो so, गाइज मैं चाहता हूँ कि आप अवेयर हो हम अवेयर हो और ये जनरेशन अवेयर हो द नेक्स्ट वन इज गाइज अगर आप जिम करना छोड़ दे तो आप फैट हो जाएंगे टोटली रॉन्ग ओके बिकॉज आप जिम करना अगर कर छोड़ेंगे तो आपका मसल फैट में कन्वर्ट नहीं होगा बहुत लोग बोलते हैं कि मसल फैट में कन्वर्ट हो जाता है दिस इज रॉन्ग मसल कभी फैट में कन्वर्ट नहीं होता एंड फैट कभी मसल में कन्वर्ट नहीं होता है एट द सेम टाइम सो तो क्या होता है फैटी क्यों होते हैं जस्ट बिकॉज़ यू आर नॉट बर्निंग कैलरीज ऑन द जिम ओके इन योर डे टू डे लाइफ दैट्स वाई यू गेन फैट एंड अगर आप डाइट सही से कीजिएगा ना अपने कैल, कैलर, कैलरी आई एम सॉरी कैलरीज को काउंट करके अगर आप डाइट कीजिएगा तो आप फैटी नहीं होइएगा तो आप फैट होते कैसे एक्स्ट्रा कैलरी से तो एक्स्ट्रा कैलरी अगर आपके बॉडी में जाएगा नहीं हाउ यू विल बिकम फैटी द नेक्स्ट मिथ इज़ वेरी फनी गाइज पीपल हु से मुझे जिम में जाके सिर्फ बेली फैट कमाना है दिस इज नॉन सेंस ओके क्योंकि आपके बॉडी में या तो ओवरऑल फैट आता है या तो ओवरऑल फैट जाता है सो so, कहीं पे भी स्पॉट रिडक्शन या फिर स्पॉट मसल मस गेन आप नहीं कर सकते दिस इज़ दिगस्टमिथ और इसमें मैं देखता हूँ बहुत सारे यंग जनरेशन भी है वो लोग भी बोलते हैं कि आ, मुझे सिर्फ बेली फैट कमाना है सो so, ये नहीं हो सकता नेक्स्ट वन इज़ रिलेटेड टू योर आर्म्स ओके गर्ल्स आर्म्स आपका रैपिडली ट्रेन करने से या फिर हफ्ते में चार बार पांच बार रोज रोज ट्रेन करने से आपका आर्म्स बड़ा हो जाएगा ये टोटली एक मिथ है बिकॉज रैपिडली ट्रेन करना आर्म्स को बड़ा नहीं करता उसको रिकवर करना आर्म्स को बड़ा करता है कोई भी मसल ग्रुप हो इस आप जिम में जाके मसल के साथ चीर फाड़ करते हैं एंड उसको जब तक आप रिकवरी नहीं देंगे वो जुड़ेगा नहीं तो वो बड़ा कैसे होगा वो ब्रांचेस कैसे फेंकेगा सेम इन द एब्स ओके लोग सोचते हैं सिर्फ क्रंचेस मारते रहे एब्स निकल जाएगा नहीं एब्स सबके होते हैं बस बॉडी फैट जिसका कम हो उसका एब्स दिखता है और जिन लोगों का बॉडी फैट ज़्यादा है उनका एब्स नहीं दिखता सो so गाइज ये वीडियो देखने के बाद आप ये मत किसी को बोलिएगा कि इतना बड़ा तोंद ले जाके कि भाई मेरा एब्स है मेरा फैट ज़्यादा है इसलिए मेरा एब्स नहीं दिखता है <laughs> बहुत जूते पड़ेंगे गाइज बहुत लोगों के घर में ये बोलते हैं कि प्रोटीन मिलता है रोटी चावल खाने से सो so, मेरे घर में भी बोलते थे बट प्रोटीन नहीं मिलता उनमें खाब्स रहते हैं सो so, कार्बोहाइड्रेट मिलता है जिससे कि आपको स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ मिलेगा एंड प्रोटीन नहीं मिलेगा प्रोटीन के सोर्स अलग होते हैं काप्स के सोर्स अलग होते हैं फाइबर्स के सोर्स अलग होते हैं सो so, मेरे घर में भी ऐसे बोलते थे बट मैंने जब पेरेंट्स को बोला तो उन लोगों ने भी समझा सब्सक्राइब